बीएसएनएल रो पुनरुद्धार पाई केंद्र सरकार को बड़ निष्पत्ति 164,000 कोटी पैकेज घोषणा करिसंदी सरकार। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में अनुष्ठित केन्द्र कैबिनेट बैठक में यह निष्पत्ति नि जाइछि। बीएसएनएल एवं बीएसएनएल रो मिश्रण को कैबिनेट रो मंजूरी मिलिछि। एने सूचना देइछंती केन्द्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो आज कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 164,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में बीएसएनएल हैज बिकम अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी 1,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे आया। अब यहाँ से आगे इसको कैसे एक सस्टेनेबल एंटिटी बनाना है, कैसे एक वाइब्रेंट टेलीकॉम प्लेयर बनाना है, उसके लिए आज का पैकेज काम करेगा। इस पैकेज के तीन बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, अपग्रेड करना, उसके मोबाइल सर्विसेज को और एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना, उसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है बीएसएनएल की बैलेंस शीट को डीस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट है बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हर घर तक फाइबर पहुँचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए।